अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो में हम करेंगे एसएससी 3.2 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये वाली आपको इक्वेशन दी हुई है, इसका आपने सॉल्व करना है बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इसको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए इसका हम कन्वर्ट करेंगे इनटू स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का जो एलसीएम है क्या आ जाएगा, एस माइनस टू और एस प्लस टू, इसका एलसीएम आ गया एस माइनस टू। एस प्लस टू या थ्री के साथ मल्टी में 3 × एस प्लस टू, ये प्लस का साइन है प्लस वन, एस प्लस टू एस माइनस टू, इसका साथ आ जाएगा एस माइनस टू इज इक्वल टू 5। इनका मल्टीप्लाई करें 3x प्लस 3 × 2 = 6। 1 के साथ मल्टीप्लाई करें एस माइनस टू डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए माइनस फार्मूला अप्लाई कर दिया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो 3s में s प्लस कर दीजिए, 3s प्लस s कितना हो जाएगा 4x, और 6 में से 2 माइनस कर दें प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इज इक्वल टू 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यह जो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या है 4s प्लस 4 इज इक्वल 5 इंटू एस के माइनस 4, 4s प्लस 4 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 5s के माइनस 5 × 4 = 20। अब इनको इधर ले आएंगे, ये 5s के है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 5s के, ये प्लस 4x, ये प्लस 4, ये माइनस 20, इधर आकर प्लस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस 5s के 4s प्लस ये कितना आएगा 24, इन दोनों का प्लस कर दें। जब देखें जो एस केयर, इसके साथ हमेशा प्लस का साइन होना चाहिए, ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन कैसे ख़त्म करेंगे, सारी क्वेश्चन का साइन चेंज कर देंगे। जब भी यहाँ पर एस केयर के साथ माइनस का साइन आ जाए फिर आपने सारी क्वेश्चन का साइन चेंज कर देने हैं। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो गया, प्लस है ये माइनस हो गया। अब ये वाली स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, ए एस के प्लस बी एस प्लस सी एस इक्वल टू, ये वाली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो एस के साथ क्या होता है ए होता है, ए क्या निकल जाएगी 5, तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 5, बी क्या हो जाएगा माइनस 4, सी क्या निकल जाएगा माइनस 24। तो हमने क्या किया, ये वाली क्वेश्चन दी हुई थी उसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फिर कंपेरिजन करेंगे, ए की वैल्यू 5 आ गई, बी की वैल्यू माइनस 4, सी की वैल्यू माइनस 24। अब हम फार्मूला लिखेंगे, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एस इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a, ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें ए बी सी की वैल्यू सपोर्ट कर दें, माइनस बी का लिए क्या है, ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, फिर बी की वैल्यू माइनस 4, ये माइनस 4ac माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 5 है, सी की वैल्यू माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2a, 2 × ए की वैल्यू कितनी है 5 है। एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू माइनस में प्लस हो गया 4 प्लस माइनस, माइनस 4 का जब स्केयर लेते हैं फिर माइनस आई खत्म हो जाता है प्लस हो जाता है 16, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया 4 × 5 = 20, 20 × 20 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। कैलकुलेटर यूज़ कर लें, कैलकुलेटर यूज़ करने से कितना आ जाएगा 4 × 5 × 24,
ये 480 है, 480 आ जाएगा, 480 डिवाइडेड बाई 2 5 10 ऐसे इक्वल 4 प्लस माइनस, इनको प्लस कर दें 496 आ जाएगा, 496 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको देखिए, इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं करते, अगर सिंप्लीफाई होता है फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर सिंप्लीफाई नहीं होता फिर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ये 496 है, ये वाला 496 का, इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टर बना लेंगे, 496 के प्राइम फैक्टर बना लें। प्राइम फैक्टर कैसे बनाएंगे, ये देखें 496 है ना, 496 है, इसको 2 से डिवाइड करें, 2 2 4, 2 4 8, 2 8 16, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 4 2 2 4 2 4 8 124, ठीक है। तो इसको यूँ लिख लें, ये वाला 2 2 कितने 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, 4 into 124, इसको लिखेंगे s equal to 4 प्लस माइनस 496 को कर लें, 2 2 4 हो गया into 124 डिवाइडेड बाई 10। अब ये जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये 2 बन जाएगा, ऐसे इक्वल टू बन जाएगा, ऐसे इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 124 डिवाइडेड बाई 10, ऐसे इक्वल। अब 4 और 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन ले रहे, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा है, 2 2 4, ये 2 कॉमन आ गया, 124 डिवाइडेड बाई 10, 2 5 10, एस इक्वल 2 प्लस माइनस, एस इक्वल क्या आ गया, 2 प्लस माइनस 124 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 5, ये आपका आंसर आ गया। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 124 डिवाइडेड बाई 5। तो बुक में 2 को ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ, वो ब्रैकेट नहीं है, वो ब्रैकेट गलत है, आपका यह आंसर दुरुस्त है। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 1 over s plus 3 minus 1 over s minus 3 is equal to 3। तो इसको भी पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, इन कैल्शियम ले लें, s प्लस 3 इंटू एस माइनस 3, इसका एल्शियम आ गया तो 1 के साथ क्या आ जाएगा, s माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 1 के साथ s प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 3। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें s माइनस 3, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस s माइनस 3 डिवाइड, ये फार्मूला a प्लस b a माइनस b क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। प्लस एस माइनस एस काटेंगे, माइनस सी माइनस सी कितना आएगा, माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 6 इक्वल टू 3 इंटू एस स्क्वायर माइनस 9, या क्या 3 से डिवाइड हो जाता है, ये 3 इधर आ जाएगा, माइनस 6 से 3 इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 9, 3 2 6, माइनस 2 इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 9। अब इसको इधर ले आए, ये माइनस एस स्क्वायर, ये माइनस 2, ये माइनस 9 इधर आकर प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो माइनस एस स्क्वायर 9 माइनस 2 प्लस 7। अब देखिए इसके साथ फिर माइनस का साइन आ गया, माइनस का साइन कैसे खत्म करना है, चेंजिंग साइंस, साइन चेंज कर दें, क्या आएगा एस स्क्वायर, ये वाला प्लस 7 हो, सॉरी ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा एस स्क्वायर, ये प्लस हो गया, ये वाला माइनस इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें एस स्क्वायर के एस वाली टर्म नहीं है, इसमें जो एक्स है वो मौजूद है, इसको लिखेंगे एस स्क्वायर, जो एस थ्री ना इसमें आए तो इसको 0s लिख देंगे, 0s ये माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसमें एक एक्स स्क्वायर है, दूसरा 7 है, जो एस वाली टर्म है वो इसमें मौजूद नहीं है, तो उसके साथ हम 0 लगा देंगे। अब जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या होती है, ई एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एस स्क्वायर कितना है 1 है, ये 1 एस स्क्वायर है, ए की वैल्यू 1 होगी तो
तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू वन, बी का लिखे आगे जीरो, सी का लिखे आगे माइनस सेवन। अब यह ए बी सी की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, आप क्या करें क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूला क्या है, एस इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, बी का लिखे दी है जीरो, ये होगा माइनस जीरो प्लस माइनस, फिर बी की वैल्यू जीरो स्क्वेयर माइनस फोर, ए की वैल्यू कितनी है वन है, सी की वैल्यू माइनस सेवन है, डिवाइडेड बाय टू ए, टू इंटू वन। अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, तो एस इक्वल टू ये जीरो ख़त्म हो गया प्लस माइनस, ये जीरो ख़त्म हो गया माइनस वन कितना गया प्लस, ये प्लस हो गया फोर इंटू सेवन, इसको फोर इंटू फोर वन से फोर, फोर इंटू सेवन डिवाइडेड बाई टू, एस इक्वल टू प्लस माइनस, फोर का स्क्वायर रूट कितना होता है टू, फोर का स्क्वायर रूट टू होता है, ये सेवन इसके अंदर ही रहेगा डिवाइडेड बाई टू, ये टू टू के साथ कट गया, एस इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेवन, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेवन, ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। एस एस इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेवन, दिस इज योर आंसर। ये थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है टू एस के है माइनस एक्स माइनस एट इज इक्वल टू, ये देखिए पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ ए एस के है प्लस बी एस प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे, ये वन एक्स है, ए के लिए टू आ जाएगी, तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू टू, बी के लिए क्या आ गई माइनस वन, सी के लिए माइनस एट। फार्मूला लिख देते हैं, एस इक्वल टू क्या फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, एस इक्वल वैल्यू स्क्वायर कर दें माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस वन है प्लस माइनस, फिर माइनस वन स्क्वायर फोर, ए की वैल्यू टू है, सी की वैल्यू माइनस एट है ओवर टू ए, टू इंटू टू, ऐसे ही कर ये माइनस माइनस प्लस हो गया वन प्लस माइनस, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, जब भी किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं वो प्लस हो जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फोर टू जार एट, एट एट जार सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाई टू टू जार फोर, तो ऐसे ही कर लो वन प्लस वन प्लस कर दें स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाई फोर। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जब मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता तो ये आपका आंसर आ गया। सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, वन प्लस माइनस सिक्सटी फाइव ओवर फोर। फिर पार्ट नंबर फोर है, पार्ट नंबर फोर है, इक्वेशन दी हुई है थ्री एस के आर प्लस फोर एस माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, थ्री एस के आर प्लस फोर एस माइनस फाइव इज इक्वल, तो ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाली पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको कंपेयर कर लेंगे ए एस के आर प्लस बी एस प्लस सी के साथ इसको कंपेयर कर लें, तो ए की वैल्यू थ्री आ जाएगी इज इक्वल टू थ्री, बी की वैल्यू फोर आ गई और सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस फाइव। फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी एस के आर माइनस फोर ए सी ओवर टू है, एस इक्वल टू माइनस फिर बी की वैल्यू कितनी है फोर है प्लस माइनस, फिर बी की वैल्यू फोर है माइनस फोर, ए की वैल्यू थ्री है, सी की वैल्यू माइनस फाइव वो टू है, टू फिर ए की वैल्यू थ्री। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस फोर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, माइनस माइनस प्लस हो गया, फोर थ्री हज़ार ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव हज़ार सिक्सटीन, डिवाइडेड बाई टू थ्री हज़ार सिक्स, तो ऐसे इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस, इनको प्लस कर दें कितना सेवेंटी सिक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई सिक्स। आप देखिए इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अब सेवेंटी सिक्स है ना, सेवन सिक्स के प्राइम फैक्टर बनाए, टू थ्री ज़ार सिक्स, टू एट ज़ार सिक्सटीन, टू
वन ज़ार टू, टू नाइन ज़ार एट, ये टू टू ज़ार फोर हो गया, टू टू ज़ार फोर, फोर इंटू नाइनटीन, तो माइनस फोर प्लस माइनस, इसको हम लिख लेंगे फोर इंटू नाइनटीन, सेवेंटी सिक्स है, इसको लिख लिया हमने टू टू ज़ार फोर, फोर इंटू नाइनटीन डिवाइडेड बाई सिक्स, ऐसे ही कर दो, माइनस फोर प्लस वन, ये फोर है, फोर का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, टू हो जाएगा, ये इसके अंदर रहेगा नाइनटीन डिवाइडेड बाई सिक्स। अब इसमें से टू कामन ले लें, टू कामन ले लिया, टू टू ज़ा फोर प्लस वन, ये टू कामन आ गया, नाइनटीन डिवाइडेड बाई सिक्स, टू थ्री ज़ा सिक्स, ऐसे ही कर लो, माइनस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नाइनटीन डिवाइडेड बाई थ्री। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और यही आपका आंसर है। तो सॉल्यूशन है माइनस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नाइन डिवाइडेड बाई थ्री। ये पार्ट नंबर फोर था, पार्ट नंबर फाइव करते हैं। पांचवा पार्ट है जी, एस प्लस वन ओवर एस, एस प्लस वन ओवर एस इज इक्वल टू फोर। इसको सॉल्व करना बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, इसमें एलसीएम ले लेंगे, एस एलसीएम आ गया, एस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें, एस इंटू एस कितना आ गया, एस की एन प्लस वन इज इक्वल टू फोर। हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, एस को फिर एस के साथ मल्टीप्लाई किया, एस इंटू एस, एस की एन, एस एस एक जैसे कट गए, वन आ गया इज इक्वल टू फोर, एस की एन प्लस वन एस इधर आ जाएगा, फोर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर एस हो जाएगा। अब फोर एस को लेफ्ट साइड पर ले आए, एस की एन माइनस फोर एस प्लस वन इज इक्वल टू, अब ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, इसका कंपेयर करेंगे इसके साथ, ए एस की एन प्लस बी एस प्लस सी के साथ कंपेयर करें, ये वन एस की एन है, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन, दिस सिंप्लाइज ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस फोर, सी इज इक्वल टू वन, ये वैल्यूज आ गई। अब फार्मूला एस इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी एस का माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस फोर, एक ही वाला माइनस, एक ही वाला माइनस है, दो माइनस है, प्लस वन, फिर बी की वैल्यू माइनस फोर है, ये माइनस फोर, ए की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू भी वन है, वन इंटू वन ओवर टू ए, टू इंटू वन, ऐसे करो, ये माइनस में प्लस हो गया, फोर प्लस माइनस, तो माइनस फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस सिक्सटीन, फोर वन सर फोर डिवाइडेड बाई टू, एस इक्वल टू फोर प्लस माइनस सिक्सटीन माइनस फोर कितना आ गया, ट्वेल्व, ट्वेल्व ओवर, एस इक्वल टू फोर प्लस माइनस, ये ट्वेल्व है, इसका क्या लिखेंगे, फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व, फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व लिखते हैं, चार थी बारह डिवाइडेड बाई टू, एस इक्वल टू फोर प्लस, ये फोर का स्क्वायर रूट टू हो जाएगा, ये ला टू हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा डिवाइडेड बाई टू। अब इसमें से टू कामन ले लेंगे, टू कामन ले लें, टू टू ज़ा फोर, ये कामन आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई टू, इस टू के साथ कट गया, ऐसे कर टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। ये इसका था पांचवा पार्ट, अब छठा पार्ट करते हैं इसका, पार्ट नंबर सिक्स। छठा पार्ट इसका इक्वेशन है थ्री एस की है, थ्री एस की है माइनस नाइन एस प्लस फाइव, माइनस नाइन एस प्लस फाइव इज इक्वल टू, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम कंपेयर करेंगे के साथ ए एस की है प्लस बी एस प्लस सी के साथ इसका कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू थ्री आ जाएगी, ए एस इक्वल टू थ्री, बी की वैल्यू माइनस नाइन और सी की वैल्यू प्लस फाइव। फार्मूला लिखते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी एस का माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, यह हमने फार्मूला लिख दिया, एस इक्वल माइनस बी की वैल्यू माइनस नाइन है प्लस माइनस, फिर बी की वैल्यू माइनस नाइन स्क्वायर फोर, ए की वैल्यू थ्री है, सी की वैल्यू फाइव है डिवाइडेड बाई टू ए, टू इंटू थ्री,
ऐसे ही कर, माइनस में प्लस हो गया, 9 प्लस माइनस माइनस नाइन का स्क्वायर कितना आएगा 81, 4 3 10 12 5 60 डिवाइडेड बाई 2 3 6 ऐसे ही कर, 9 प्लस माइनस माइनस कर दें 21 हो जाएगा माइनस करने से ओवर 6। अब इसको आप मज़ीद जो 21 है उसके मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये आपका आंसर आएगा। सॉल्यूशन साइड लिख दें, 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 ओवर 6। ये पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 है, 4s square प्लस 7s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे a² प्लस bs प्लस c के साथ, a की वैल्यू 4 आ जाएगी, a इक्वल टू 4, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू माइनस 1। फार्मूला s इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस b की वैल्यू 7 है, ये 7² 4 माइनस 1 ओवर 2 into 4। तो s इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना है 49, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 16 और 2 4 8 ऐसे इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस इनको प्लस कर दें 65 हो जाएगा ओवर। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो ये आपका आंसर है। सॉल्यूशन सेट, माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाई 8। ये करते हैं जी पार्ट नंबर 7 किया, फिर पार्ट नंबर 8 करते हैं। इसका 8वां पार्ट है, इसमें इक्वेशन दी हुई है 2s² इक्वेशन है, 2s² माइनस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसको कंपेयर करेंगे a² प्लस bs प्लस c के साथ, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 2, b की वैल्यू माइनस 10, c की वैल्यू प्लस 5 आ गई। अब हमने क्या करना है, फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला क्या है, s इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a, ये वाला फार्मूला। तो s इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस 10 है, माइनस 10 प्लस माइनस फिर माइनस 10 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है, फिर डिवाइडेड बाई 2a, 2a की वैल्यू 2 है 2a। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये माइनस में प्लस हो गया 10 प्लस माइनस माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 2 8 8 5 40 40 हो गया डिवाइडेड बाई 2 2 4 ऐसे इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस करें तो 60 हो जाएगा 60 ओवर 4 ऐसे इक्वल टू 10। अब इसको लिख लेंगे 4 into 15, 15 4 60 होता है, 4 times 15 15 4 60 डिवाइडेड बाई 4 ऐसे इक्वल टू 10 प्लस माइनस, ये 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, 2 square root of 15 डिवाइडेड बाई 4 ऐसे इक्वल टू, इनमें 2 कामन ले लें, 2 5 10 प्लस मान, ये 2 कामन आ गया 15 ओवर 4, ये 2 2 4 2 2 4 ऐसे इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस माइनस 15 ओवर 2। सॉल्यूशन साइड लिख देंगे, 5 प्लस माइनस 15 ओवर 2, ये आपका आंसर आ गया 5 प्लस माइनस 15 ओवर 2, ये आपका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर इसका 9th पार्ट है, 9th पार्ट है, देखें क्या लिखा हुआ है 9th पार्ट।
एस के आर प्लस एस माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, तो क्या लिखेंगे इसको, कंपेरिजन करेंगे, ए एस के आर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू, ये वन एस के आर है, ये भी वन एक्स है, ए की वैल्यू वन आ गई, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू माइनस थ्री। फार्मूला एस इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी एस के माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। वैल्यूज पुट करते हैं, एस इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू वन है प्लस माइनस, फिर बी एस के वन स्केयर फोर, फिर ए की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू माइनस थ्री है, डिवाइडेड बाई टू ए, टू इंटू वन। एस इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस, वन का स्केयर वन, माइनस वन प्लस हो गया, फोर थ्री जार ट्वेल्व ओवर टू। एस इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस थर्टीन डिवाइडेड बाई टू, ये आपका, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये आपका आंसर आएगा, माइनस वन प्लस माइनस थर्टीन, सोल्यूशन सेट आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस थर्टीन ओवर टू। बुक में थ्री लिखा हुआ है, वो थ्री नहीं है थर्टीन है, बुक में जो आंसर है उसमें थ्री लिखा हुआ है, थ्री नहीं है, ये थर्टीन है, फिर पार्ट नंबर टेन। तो टू एस के आर माइनस थ्री एस माइनस सिक्स, माइनस थ्री एस माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसको क्या लिखें, ए एस के आर प्लस बी एस प्लस सी, इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू टू आ गई, ए इज इक्वल टू, बी की वैल्यू माइनस सी, सी की वैल्यू माइनस सिक्स। फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी एस के आर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, एस इक्वल माइनस बी की वैल्यू माइनस सी है प्लस माइनस, फिर माइनस सी का स्क्वायर फोर ए की वैल्यू टू, सी की वैल्यू माइनस सिक्स, वैल्यूज पुट कर दी है, टू ए, टू इंटू टू। तो एस इक्वल ये माइनस में प्लस हो गया थ्री प्लस माइनस, माइनस सी का स्क्वायर नाइन, माइनस में प्लस हो गया फोर टू सर एट, एट सिक्स सर फोर्टी एट, डिवाइडेड बाई टू, टू सर फोर। एस इक्वल थ्री प्लस माइनस फोर्टी एट प्लस नाइन कितना है फिफ्टी सेवन ओवर, तो फिफ्टी सेवन के आप फैक्टर नहीं बना सकते, ये वैसे रहेगा, इसको मुझे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो सोल्यूशन सेट डालेगा थ्री प्लस माइनस फिफ्टी सेवन स्क्वायर रूट ओवर फोर, ये आपका पार्ट नंबर अलेवन। पार्ट नंबर अलेवन है एस प्लस वन और एस इक्वल टू वन, पार्ट नंबर अलेवन एस प्लस वन और एस इज इक्वल टू वन। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एस एलसीएम एस प्लस प्लस मल्टीप्लाई करें, एस क्या ये इसका काट गया, बाकी वन इज इक्वल टू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एस क्या प्लस वन या एस इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स हो गया, एस लेफ्ट साइड पर ले लेंगे, एस क्या माइनस एस फिर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ए एस क्या प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये वन एस स्क्वायर है, ए की वैल्यू कितनी आ गई वन, ये भी वन एक्स है माइनस वन, बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन, सी की वैल्यू वन। अब फार्मूला लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब इस पर वैल्यूज पुट कर देनी है, ए बी सी की, माइनस बी की वैल्यू माइनस वन है, ये माइनस वन स्क्वायर फोर, ए की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू भी वन है, डिवाइडेड बाई टू ए, टू इंटू वन, ये माइनस वन प्लस हो गया वन प्लस माइनस, माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस फोर वन जार फोर, डिवाइडेड बाई टू वन जार टू, तैसे इक्वल वन प्लस माइनस, वन माइनस फोर कितना हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये आपका आंसर आएगा, एस एस इज इक्वल वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सी
डिवाइडेड बाई टू, ये आपका आंसर आ गया। इसका ट्वेल्थ पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 12, बारहवा पार्ट है इसका। तो इसमें क्या है, एस माइनस टू ओवर एस, एस माइनस टू ओवर एस इज इक्वल टू वन। इसमें इसका एलसीएम, एस एलसीएम ले लिया, एस इंटू एस कितना हो गया, एस किया फिर माइनस टू इज इक्वल टू वन, एस किया माइनस टू, ये एस इधर आ गया, एस अब एस को इधर ले आएंगे, एस किया माइनस एस, माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये वन एस स्क्वायर है, ये वन एक्स है, तो ए एस किया प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस वन, सी की वैल्यू माइनस टू, पा बोला माइनस बी प्लस माइनस बी इसके माइनस फोर ए सी ओवर टू है, ये फार्मूला आ गया। अब इसको करना है, क्या करना है जी, इसको करना है वैल्यू स्पोर्ट करनी है, एस इक्वल माइनस बी की वैल्यू माइनस वन है प्लस वन, फिर बी इसके माइनस वन इसके माइनस फोर, ए की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू माइनस टू है, डिवाइडेड बाई टू है, टू इंटू वन, ऐसे माइनस में प्लस हो गया, फिर माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस में प्लस हो गया, फोर टू ज़र एट प्लस एट, डिवाइडेड बाई टू वन ज़र टू, ऐसे वन प्लस माइनस एट प्लस वन नाइन ओवर टू, ऐसे वन प्लस माइनस नाइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अब इसको एक दफ़ा प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस करना है, वन प्लस थ्री ओवर टू, और ऐसे वन माइनस थ्री ओवर टू, प्लस माइनस ना, ये तो प्लस कर दिया, ये दफ़ा माइनस कर दिया, थ्री प्लस वन कितना फोर ओवर टू, वन माइनस थ्री माइनस टू ओवर टू, ऐसे क्यों ये टू हो गया, ये कितना हो गया माइनस वन, सोचा सा लिख लेंगे टू और माइनस वन, ये आपका आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर टेन था, सॉरी ट्वेल्व था। उसके बाद करते हैं जी, नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर थर्टीन, पार्ट नंबर थर्टीन, थर्टीन पार्ट है, क्या लिखा हुआ है, टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स, ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस सेवेंटी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको कंपेयर करेंगे ए एस के एल प्लस बी एस प्लस सी के साथ, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, टू है, बी की वैल्यू ट्वेंटी फाइव है, सी की वैल्यू सेवेंटी टू है। फार्मूला फार्मूला में वैल्यू स्पोर्ट कर लें, बी की वैल्यू ट्वेंटी फाइव प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव स्क्वायर फोर, ए के लिए टू है, सी के लिए सेवेंटी टू, टू और सेवेंटी टू डिवाइडेड बाई टू है, टू इंटू टू, ऐसे ही कर लो माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस में ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर कितना आता है, सिक्स ट्वेंटी फाइव, फिर माइनस फोर टू सर एट, एट टू सर सिक्सटीन, एट सेवन सर फिफ्टी सिक्स, तो फिफ्टी सेवन फाइव सेवेंटी सिक्स, एट इंटू सेवेंटी टू फाइव सेवेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई टू टू जार फोर, ऐसे इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस में सिक्स ट्वेंटी फाइव में से माइनस कर दें फाइव सेवेंटी सिक्स, तो आएगा माइनस फोर्टी नाइन, क्या आएगा माइनस फोर्टी नाइन, और उसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई फोर। अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ रहा है ना, माइनस फोर्टी नाइन, माइनस फोर्टी नाइन आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, उससे बुक वाले ने इसको गलत किया हुआ है, कि जब स्क्वायर के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए इसको यूँ लिखेंगे, ऐसे कर लो माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस माइनस, ये फोर्टी नाइन का जो स्क्वायर कितना है सेवन आएगा, माइनस इसके अंदर ही रहेगा डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है। बुक वाले ने इसको इग्नोर किया माइनस वन को, अंडर रूट स्क्वायर माइनस वन को, तो बुक वाला जो आंसर है वो गलत है, आपने इसको
इसी तरह यही पर छोड़ देना, ये आपका आंसर है। सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, माइनस 25 प्लस माइनस 7 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट पार्ट, करते हैं इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 14, सॉरी पार्ट नंबर 15, नहीं 14, पार्ट नंबर 14, पार्ट नंबर 14 है एक्सरसाइज भी, पार्ट नंबर 14 देखें जी, एस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 40 वाई प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें एस की बजाय वाई लिखा हुआ है, इसमें जो वेरिएबल है वो वाई है, तो ए एस स्क्वायर, तो ए एस स्क्वायर की बजाय ए वाई स्क्वायर लिख लें, बी एस के बजाय बी वाई लिख लें, प्लस सी इज इक्वल टू, तो जो भी वेरिएबल वो वेरिएबल लिख लेते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 वाई स्क्वायर है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 40 और सी की वैल्यू 370। फार्मूला क्या लिखें, वाई लिखें, एस से लिखेंगे, इसमें एस से ना है वाई है, तो क्या लिखें, वाई इज इक्वल टू, ये आपने ध्यान रखना है, फार्मूला वही है लेकिन एस के बजाय हमने वाई लिख दिया, वाई इज इक्वल वैल्यूज को माइनस बी की वैल्यू कितनी है 40 प्लस माइनस बी 40 स्क्वायर, 4 ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 375 है डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस 40 प्लस माइनस 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, माइनस 4 इंटू 375, 4 इंटू 375 1500 ओवर 2 वंस है, वाई इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस माइनस माइनस करें तो 100 हो जाएगा, ओवर वाई इज इक्वल टू माइनस 40, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10 होता है, ओवर 2। अब एक दफ़ा प्लस कर देंगे, एक दफ़ा माइनस, माइनस 40 प्लस 10 ओवर 2, माइनस 40 माइनस 10 ओवर 10 को हमने एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया, ये कितना है माइनस 40 प्लस 10 माइनस 30 ओवर 2, ये माइनस 50 ओवर 2, 2 से डिवाइड कर दें माइनस 15 माइनस 20, वाई की दो वैल्यूज आ गई माइनस 15 और माइनस 25, ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। फिर पार्ट नंबर 15, एस किया माइनस थ्री एस प्लस टू, एस किया माइनस थ्री एस प्लस टू इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए एस किया प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू, ये 1 एस किया है, ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू माइनस थ्री, सी की वैल्यू प्लस टू, फार्मूला ओवर 2 है, वैल्यूज पुट कर लेंगे, माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर 4 1 2 ओवर 2 है, 2 इंटू 1, ऐसे कर लो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, 4 2 जार 8 ओवर 2, ऐसे कर लो, 3 9 माइनस 8 कितना है 1 ओवर, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ये 1 हो जाएगा, ऐसे ही कर लो, 3 प्लस माइनस 1, अब ये दफ़ा प्लस करेंगे, ये दफ़ा माइनस करेंगे, ऐसे ही कर लो, 3 प्लस 1 ओवर 2 और ऐसे ही कर लो, 3 माइनस 1 ओवर 2, 3 प्लस माइनस 4 ओवर 2, ऐसे ही कर लो, 2 ओवर 2, ऐसे ही कर लो, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, सॉल्यूशन सेट 2 और 1, ये आंसर आ गया। इसका आखिरी पार्ट है पार्ट नंबर 16, 9 एस स्क्वायर माइनस 81 इक्वल
अब देखें 9 इसमें कॉमन है तो 9 के साथ डिवाइड करा दें, इन दोनों 9 से डिवाइड हो जाते हैं, ये 9 काट दिएगा, एस किया माइनस 9 9 81 इज इक्वल टू डिवाइड करें 81। इसमें एस मौजूद नहीं है, क्या लिखेंगे एस के, जो एस नहीं है तो 0s लिख लेंगे, ठीक है, इसमें एस मौजूद नहीं है तो 0s लिख दिया। अब ए एस किया प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू, ये 1s किया है, ए इज इक्वल कितना आ गया 1, बी की वैल्यू 0 आ गई, 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 प्लस भी नहीं होता माइनस भी नहीं होता, सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस 9। फार्मूला फार्मूला से वैल्यू स्पोर्ट कर देनी है, माइनस बी की वैल्यू 0 है प्लस माइनस 0 स्क्वायर 4 ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू माइनस 9 है, 2 into 1 ये 0 हो गया प्लस माइनस, ये 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 9s are 36 डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे ही ये 0 खत्म हो गया, बाकी 36 आ जाएगा, 30 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 36 बाई 2, ऐसे ही कर लो प्लस माइनस 36 का स्केयर, ये 6 का स्केयर है 6 बाई 2, ऐसे ही कर लो प्लस माइनस 3, तो ये आपका आंसर आ गया प्लस माइनस 3। सो चार लिख दें एस एस इक्वल प्लस माइनस 3। तो आज के ऐसे आज की वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 के 16 वाले सारे किए हैं, उम्मीद है कि आपको हर पार्ट की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।